नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर। मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए बुलेटिन। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के प्रवास के दौरान बल्लभ के भंगोरोटू में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस कारण नेता और कार्यकर्ताओं के कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करना हमारा दायित्व है। कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस हताशा और निराशा के कारण बोलने तक का भी पता नहीं चल रहा। देखिए, भगदड़ वहां पर होती है जहां पर असुरक्षा का भाव होता है। हर कांग्रेस का नेता और यहाँ तक के कांग्रेस का कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिसकी वजह से वो हताश निराश हो करके जो है वो ऐसी स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हो रहा है कि ना ही नेतृत्व पर विश्वास है, ना ही नेतृत्व में क्षमता दिख रही है। और ऐसे में कांग्रेस के पूरे देश भर में बहुत लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में भाजपा में भी आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर के भी कांग्रेस में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, नेता कौन होगा। और ऐसे में छोड़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खर्चीले मुख्यमंत्री कैसे किए, मैंने कहीं कोई ऐसा खर्च किया है जैसे जिसको, देखिए मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जो कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उनका उद्घाटन करना, शिलान्यास करना ये हमारा दायित्व है। ऐसा तो नहीं है कि भी हम आज हमने उद्घाटन और शिलान्यास के लिए जो सारी चीज़ें की हैं, जो हमने स्कीम्स बना करके तैयार की, हम कांग्रेस के नेताओं को बुला करके उनको निमंत्रण कार्ड दे दें कि आप आइए, हमने ये भवन बना करके तैयार किया, आप उसका उद्घाटन करिए। समझ में नहीं आता है कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है उनको क्या कहना है, क्या करना है। तो यही कारण है जिसके में कांग्रेस के सारे लोगों में हताशा है, निराशा है और वो हताशा निराशा ये बड़े नेताओं में भी दिख। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 9 अक्टूबर को हमीरपुर का दौरा करेंगे और पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के दौरान चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधांश सिंह और चुनाव प्रभारी हमीरपुर राजेंद्र गर्ग भी बैठक में शामिल होंगे। उधर हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत बिजड़ी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव में रहती है क्योंकि महिलाएं डोर टू डोर जो प्रचार प्रसार करती हैं वो महिलाएं करती हैं। एक एक घर में दस्तक महिलाएं देती हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा, महिलाओं के हित के लिए कार्य किए, कुछ पदों में महिलाओं को पहुँचाया। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की भी 5 महिला अध्यक्ष रह चुकी है, 5 जो अपने आप में पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी जी ने 33% का आरक्षण से शुरू किया था, बाद में उसे 50% आज लाखों महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आ रही है और अपने काम को बखूबी निभा रही है। सही बात है, आने वाला चुनाव है, जो जाएंगे कैसे रहे, कैसे रहे,
सभी महिलाएं कार्य करेंगी। हमारी जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, जो बहुत अनुशासित महिलाएं किसी लालच में काम नहीं करती, हम एक विचारधारा में रहकर पार्टी की विचारधारा से हम लोग काम करते हैं। जिसको भी आपका निशान जिसके पास होगा, हाईकमांड जिसको भी टिकट देगी, महिला कांग्रेस उसके लिए और हमारा सबसे पहले तो हम मनरेगा की जो घड़ी है उसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक भी लड़ाई लड़ने की बात होगी उसको लड़ेंगे। आशा वर्करों की जो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ी जाएगी, जो हमारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनको सरकारी सरकार में लाकर उनको अच्छा वेतनमान दिया जाएगा, क्योंकि आशा वर्कर आंगनबाड़ी और मनरेगा की जो हमारी महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सबसे ज़्यादा काम ये महिलाएं करती हैं, घर के काम के साथ साथ जो अपने जो हमारा सामाजिक काम है, आर्थिक विकास का जो काम है, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इस वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए जितना भी मुझसे हो पाएगा अंतिम दम तक मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। पिछले 5 वर्ष से कर रहा हूँ, यही कारण है कि आज इतना जनसैलाब आया है। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सुख दुख में रहता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, साथ में विकास के काम भी करता हूँ। जो लोग उंगली उठाते हैं वो आज आंख खोल के देख लें, ये हमारे जनता से जो प्यार है और जनता से के बीच में जाकर जो हमें मान सम्मान मिलता है, ये उसकी आपके सामने तस्वीर है, वो उनको आप जरूर बता दें। महर्षि वाल्मीकि जयंती को समर्पित नाहन में वाल्मीकि सभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह से लगातार वाल्मीकि सभा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए DC सिरमौर आरकर गौतम ने कहा है कि आज रक्तदान शिविर में भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, ऐसे में युवाओं को स्वेच्छा के आगे आकर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। जयंती के शुभ अवसर पर वाल्मीकि सभा द्वारा यहाँ से रक्तदान शिविर लगाया गया है। वाल्मीकि सभा के सदस्यों को इस अवसर पर किया है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो रक्तदान कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है किसी की जीवन को बचाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बहुत बड़ा महादान है उन सभी युवाओं को जिन्होंने यहाँ पे आज रक्तदान किया है, और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग पहले भी ले लिया, उनके भी हाथ में शुभकामनाएं। मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो वाल्मीकि सभा है बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, उन्होंने पीछे अपने बच्चों की शिक्षा विषय में अच्छा उनका एक चला हुआ है, और बच्चों का बाल कोशिश एक तरीके से करें ताकि आने वाले समय में समाज जो आगे बढ़े और प्रदेश की और जिला की जो है उनका पूर्ण योगदान रहे। इसी के साथ मैं एक बार उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा महर्षि वाल्मीकि, और ये कहना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रास्ता दिखाया सभी के लिए, वो बड़ा ही सत्य अहिंसा और एक प्रेम का रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हम जो है हमारा जीवन अपना होगा उस रास्ते में सब लोग चले, तभी हम महर्षि वाल्मीकि जी के लिए सच्ची जो है हमारी श्रद्धांजलि होने के लिए एक रास्ता का जो प्रतीक होगा, तभी हम उसको सब लोग। उधर धर्मशाला में भाजपा द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह के आयोजक भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, इसके अलावा इस कार्यक्रम में भाजपा धर्मशाला मंडल के तमाम नेता, धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया और मौजूद रहे। वहीं राकेश शर्मा ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को धर्मशाला मंडल के कार्यकर्ताओं को द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया है। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव अगले महीने होने जा रहे हैं, इसमें हम सब कार्यकर्ता मिलके इस धर्मशाला मंडल के कार्यकर्ता जितना भी है हर एरिया से यहाँ आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और मोदी जी की नीतियाँ, जयराम ठाकुर की नीतियाँ जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, धर्मशाला से खिलेगा, और इस हिमाचल प्रदेश की बगिया में हर जगह कमल का फूल खिलने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने वाली है। एक बार फिर से रिवाज जो बदलने वाला है हिमाचल प्रदेश में, भाजपा की सरकार बनने वाली है। मंडल अध्यक्ष जी हैं,
अपने विधायक हो जी होंगे, गायत्री कपूर जी प्रदेश की सचिव हैं और मीडिया प्रभारी हैं, ये सारे कार्यकर्ताओं का एक संयोग है। कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन है, कोई भी इसमें आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, सबको मैसेज डाला है, चाहे फेसबुक के माध्यम से चाहे फ़ोन के माध्यम से, सबको बुलाया गया है और जो जो आएगा सबका स्वागत है। मुख्य रणनीति 2022 के चुनावों की जीत, कमल का फूल फिर से इस विधानसभा में खिले, इसका प्रण लेंगे, इसका निर्णय लेंगे। लेकिन बाहर तो सिर्फ राकेश शर्मा जिंदाबाद का नारा लगा। अभी जोश में आ जाते हैं लड़के तो लग जाते हैं नारे, नारों का क्या है, नारे तो लगते रहते हैं। 1025 मीटर लंबे तिरंगे के सम्मान में भव्य मानव श्रृंखला यात्रा का आयोजन वीरभूमि पालमपुर में धर्मशाला तक किया गया। इस यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार विशेष रूप से शामिल रहे। उन्होंने 1025 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को जिला प्रशासन को सौंपा। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधीश डॉक्टर खुशहाल शर्मा और SDM कांगड़ा शिल्पी बेकटा के राष्ट्रीय ध्वज की ग्रहण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1025 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज से 14 अगस्त को पालमपुर में हजारों लोगों को उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और आज इस तिरंगे के सम्मान में मानव श्रृंखला के माध्यम से वीरभूमि पालमपुर से ये यात्रा होते हुए धर्मशाला जिला मुख्यालय से में पहुंची है ताकि लोग उसे देख सकें और इन ऐतिहासिक क्षणों में भी याद रख सकें। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो 1025 लंबा तिरंगा 14 अगस्त को पालमपुर में हजारों लोगों की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और आज ये तिरंगा के सम्मान में मानव श्रृंखला के माध्यम से वीरभूमि पालमपुर से होते हुए धर्मशाला हमारा जो मुख्यालय है वहाँ पर ये पहुँचा है। मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इस लंबा जो हमारा दूरी थी उसमें समाज का जो उत्साह था, लोगों की जो उपस्थिति थी, स्कूल और कॉलेज के बच्चों का जो उमंग था, मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमारा विचार वर्तमान में काम कर रहा है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद देश के लोगों के जहन में पैदा होना चाहिए, वो शब्दों से नहीं, कई बार भाषणों से नहीं, वो व्यवहार से दिखता है और उसका एक नमूना, एक उदाहरण ये मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पर तिरंगा मानव श्रृंखला यहाँ पर पहुँची है। आप मीडिया बंधुओं का भी पिछले काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए जो हमें स्थान दिया गया उसका भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये तिरंगा जो है, जितने वीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, हमने जिलाधीश महोदय से बातचीत की है, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज को जो जिलाधीश हमारा कार्यालय है वहीं पर एक स्थान चयनित किया जाएगा और उसको फ्रेम अप किया जाएगा, लोग उसको देख सकते हैं, लोग और इन ऐतिहासिक क्षणों को भी याद रख सकते हैं और ये 1025 लंबा मीटर जो तिरंगा है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी जाएगी, मानव श्रृंखला के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को कई बार ये महसूस होने लगता है कि तिरंगा क्या है। ये तिरंगा लोगों के जहन तक हमने पहुंचाना है, यही संकल्प और यही हमारा सोच है, वो कहीं नहीं है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ पर अब मैं खुल करके बोलना चाहता हूँ, वो कहीं नहीं है, ना देश में है, ना हिमाचल में है, ना जिला कांगड़ा में है। यहाँ पर हमारा विचार रिवाज बदलने के बाद एक के बाद फिर से हिमाचल में श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, कुशल नीतियों के कारण और भाई जयराम ठाकुर जी के अंथक प्रयासों के कारण हिमाचल में
जिला कांगड़ा में मैं आज बता रहा हूँ, यहाँ से अधिकतर सीटें भाजपा की होंगी और नए वर्ष में भाजपा भगवा की विचार सरकार बनेगी। वो क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना उनका नेता है ना नेतृत्व है। जो नेता ये कहते हैं कि आटा जो है वो 40 रुपए लीटर हो गया, तो उनके जो अनुयायी हैं वो कैसे होंगे। लोगों का उनसे मोह भंग हो गया है। शाश्वत विचार जनवरी में पांडे साहब फिर आ। गोपालपुर चिड़ियाघर में स्कूली बच्चों को वनों और वन्य प्राणियों के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं वर्ल्ड लाइट वीक कार्यक्रम के तहत चंबा सर्कल के बाइक रैली का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि जिला कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय बेलेंड पोंग बांध में पहुंचेगी। वहीं गोपालपुर में विभिन्न स्कूलों में भी पेंटिंग राइटिंग व लोकगीत प्रतियोगिताएं वनों प्रणाली विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से करवाया जा रहा है। बता दें कि आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर को गेटी थिएटर शिमला में राज्य स्तरीय वर्ल्ड लाइफ वीक कार्यक्रम का आगाज हुआ है, जबकि वर्ल्ड लाइफ की ओर से 2-2.5 माह पहले ही चयनित स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित कर दी गई हैं। जागरूक करने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन, जैसा कि आपको मालूम ही है, हर वर्ष जो है वन्य प्राणी प्रभाग और वन विभाग करता है, तो इस वर्ष भी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इसका जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है वो 2 अक्टूबर को गेटी थिएटर में इसका उद्घाटन किया गया, शुभारम्भ किया गया, और हर वृत्त में और डिवीजन लेवल पे जो है इसको रेंज लेवल तक इसको मनाया जा रहा है। तो अगर मैं वन्य प्राणी प्रभाग उत्तर वृत्त की बात करूं तो इसमें जो है वो वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा, वाइल्ड लाइफ डिवीज़न हमीरपुर और ये गोपालपुर जू में भी बहुत ज़ोर शोर से जो है हमने जन चेतना लाने के लिए जो है वन्य प्राणी सप्ताह मनाने की कोशिश की है और ये कार्यक्रम अभी जारी है। और इसकी शुरुआत जो है वो मैं सही शब्दों में बताऊं तो हमने लगभग 2.5-3 महीने पहले शुरू कर दी थी, जब हमने धर्मशाला के आसपास सरकारी स्कूलों में 10 सरकारी स्कूलों में जो है वो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें बच्चों से जो है वो हमने संवाद किया। धर्मशाला सर्कल में RRT की टीम है, जिसमें जो है वो कुछ हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं और कुछ जो हैं वो DFO साहब हैं, मैं हूँ। हम लोग स्कूलों में गए, हमने जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है उनसे मैटर टेकअप किया। तो 10 सरकारी स्कूल इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो बच्चे आते हैं जो सीधा जल जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ साथ हमने राजकीय कॉलेज धर्मशाला को भी कवर किया। और ये जो वनों के बारे में और वन्य प्राणियों के बारे में जागरूकता का अभियान है ये आगे भी जारी रहेगा। तो इस कड़ी में जो है हमने जिन जिन स्कूलों में हम लोग गए थे वहाँ के बच्चे जो हैं वो हम यहाँ पे उनको गोपालपुर जू में लाए और उनको जो है वो वन्य प्राणियों से रूबरू करवाया, वन्य प्राणियों की कैसे संरक्षण करते हैं, कैसे उनका संवर्धन करना है और उनकी जिम्मेवारी क्या है, उसके बारे में उनको जागरूक किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पहुंचते पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और वह लगातार हिमाचल आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने यह बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या फिर एम्स, PGI या मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर IIM और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक, बहुत बड़ी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक के बाद दूसरा दौरा किया, ये तो उनका दूसरा घर है, जितनी बार आएंगे उतनी बार उनका स्वागत है। और आपने हर बार देखा, चाहे मंडी हो या बिलासपुर हो, रिकॉर्ड भीड़ आई, ये अपने आप में मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का जो स्नेह है
वो देखने को मिलता है। और इसको हल्के में लेते हों कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन करते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री एक नहीं एक के बाद दूसरे स्कैम में पाए जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों या शराब मंत्री हों। वहाँ पे भी नहीं चला तो अब बिजली में भी कोई कसर खाने की नहीं छोड़ी। चाहता हूँ कि कांग्रेस अपनी वो सारी लिस्ट जारी कर दी जो उनके सोचो विचार में आज भी हैं। वो सोचते तो हैं, करते कभी नहीं हैं। 2014 मई में जब पहली बार सरकार में हम आए थे, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पहले ही बजट में मोदी जी ने IIM और एम्स हिमाचल प्रदेश को दिया। वीरभद्र जी की सरकार ने 3 साल लगाए, जब आंदोलन जैसी स्थिति आ गई थी तब जाकर जमीन दी। पहली चिट्ठी वीरभद्र जी ने ये लिखी कि IGMC शिमला को बना दिया जाए या टांडा मेडिकल कॉलेज को बना दिया जाए एम्स। अभी तक के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ।